आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादेशि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृतात्रप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित् आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्यस्तन धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम् श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम् तत्राधरो न परम् मूकं करोति वाचालम् अंगूलं घ्रियते गिरिम् यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध से वेणु गीत का, गोपियों द्वारा वेणु कृष्ण के वेणु गीत की सराहना, ये जो है हमारा अध्याय चल रहा था। हमने श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण से संबंधित जो भी कार्य था उसकी प्रशंसा कर रही थी।
कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु या व्यक्ति, उन सब की प्रशंसा कर रही थी। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार गोपियां गोवर्धन पर्वत का ध्यान करके गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा कर रही है। और गोवर्धन को बोल रही है हरिदास वर्य, मतलब हरि के दासों में श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। क्यों श्रेष्ठ है हरि के दासों में, तो उसका कल हमने श्रवण किया था। गोवर्धन हरि के दासों में इसलिए श्रेष्ठ है कि गोवर्धन ने अपना पूरा शरीर दे दिया है कृष्ण और बलराम के प्ले करने के लिए, उनको खेलने के लिए अपना पूरा शरीर दे दिया। कभी कोई अपना मन अर्पित करता है, कोई तन अर्पित करता है, कोई धन अर्पित करता है, कोई तीनों अर्पित करता है, लेकिन अभी गोवर्धन के पास अर्पित करने के लिए और कुछ नहीं है। गोवर्धन ने अपना पूरा सब कुछ जो है भगवान को अर्पित कर दिया, इसलिए वे भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जो तीन हरिदास कहे जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज एक हरिदास कहे जाते हैं, उद्धव एक हरिदास कहे जाते हैं, और तीसरा है गोवर्धन। गोवर्धन को बोला गया हरिदास वर्य, हरिदासों में, हरि के दासों में श्रेष्ठ। तो गोवर्धन जो है ये पर्वत प्रयास करता है जो व्यक्ति अपना तन अपना मन अपना वचन अपना धन और अपने प्राण आदि सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, वही यथार्थ में श्री कृष्ण दास है। ये कृष्ण दास हरिदास की परिभाषा है। कि जो व्यक्ति अपना तन मन वचन धन प्राण आदि सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, वही यथार्थ कृष्णदास है, वास्तव में कृष्णदास वही। और जो व्यक्ति आलस्य या कृपणता पूर्वक देह धन आदि श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण नहीं करता है, वो दुर्भागा है, अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भागा अन्य अनफॉर्चुनेट। तो किसी व्यक्ति को कृपण या दुर्भाग्य कब बोला गया है कि जब व्यक्ति अपना तन मन वचन धन प्राण आदि सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, वो यथार्थ कृष्ण का दास है। और जो आलस्य या कृपणता पूर्वक देह मन बुद्धि धन आदि कृष्ण की सेवा में नहीं अर्पित करता, वो दुर्भाग्य। तो कई बार बोला था लोग केवल कृपणता इसलिए बोलते कि धन नहीं लगाता है, लेकिन जो अपना देह नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, बुद्धि नहीं लगाता और धन नहीं लगाता, धन तो उसका हम लोग इस भौतिक संसार में कृपणता मतलब समझते धन, लेकिन व्हाट अबाउट देह बॉडी, व्हाट अबाउट माइंड, व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस, ये सब क्यों व्यक्ति संभाल के रखता है? इसका मतलब व्यक्ति कृपण है, बहुत कंजूस है।
जो जिन चीजों को, ये सारी चीजों को इंपॉर्टेंट चीजों को लगाना चाहिए उसको नहीं लगाता है। और सारा संसार भी बोलता है कि व्यक्ति कृपण है क्योंकि अपना धन नहीं लगाता। कृपणता तो व्यक्ति के पास तो लगाने के लिए बहुत कुछ है, इस संसार में व्यक्ति के पास लगाने के लिए बहुत कुछ है, उसको क्यों नहीं लगाता है? देह है, पूरा शरीर है, वाणी है, वाणी को बाकी सब सेवाओं में लगा करके, शरीर है, वाणी है, मन है, इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं लगाता है? कृपण है इसका मतलब है, कंजूस है। तो इस तरीके से गोवर्धन सबको लगा लेता है। गोवर्धन पर्व का व्यवहार देखने से स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपना देह, देहिक आदि सभी को समर्पण कर दिया। इस तरह से गोपियां जो है प्रशंसा कर रही हैं गोवर्धन पर्वत की, ये कल हमने सुना। और श्री कृष्ण अनुरागी ब्रज गोपियों ने गोवर्धन पर्वत के साथ श्री कृष्ण का विविध संबंध देखकर हरिदास वरि के रूप में उसके भाग्य की प्रशंसा की। एम दीनता वंश का कि हम ब्रज में वास करके भी श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। तो आज हम 19वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। गोवर्धन पर्वत के बाद अब गोपियां किसको चुनती हैं, गोपियां किसको चुनती हैं अपना, किसकी प्रशंसा करती हैं, किससे अपनी तुलना करती है, आप देखते हैं लास्ट जो इससे तुलना करेगी। अभी गोवर्धन पर्वत से कर लिया, इससे पहले और भी जो है आदिवासी कन्याएं जो कुलीन कन्याएं थी उनसे कर लिया, बादलों से कर लिया, सारे चराचर जीवों से कर लिया। अब गोपियां अपनी तुलना किससे करती हैं? का गोप के अनु वनम नयत उदार वेणु स्वने कल्पद तनु मृत्यु सख्य अस्पंदनम मद्गति मतां पुलक तरुणं निर्योग पाशकृत लक्षणयो विचित्रम्। ये सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अभी गोपियों का आगे हम भाषा सुनते, गोपियां क्या बोल रही, गोपियां आपस में बात करती हैं। जब कृष्ण है सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर गौवें लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दोहन के समय गवों की पिछली टांगों बांधने के लिए नोई लिए रखते हैं, रस्सी, जो गायों के पिछली टांगों के दूध दोहते समय गायों का पिछली टांग बांध के इसलिए रखते हैं कि नहीं तो वो टांग मार देगी तो दूध दोहना नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं नोई बोलते हैं। उसको संस्कृत में बोलते हैं निर्योग पाश, मतलब गांवों के पिछले पांवों को बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सी, निर्योग पाश, पाश मतलब होता है बंधन। तो अभी गोपियां बोलती हैं जब कृष्ण बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर गांवें लेकर गुजरते हैं तो अपने साथ दूध दोहन के समय पिछली गांवों की पिछली टांग बांधने के लिए निर्योग पाश रखते हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी भी स्तब्ध रह जाते हैं और अचर वृक्ष आनंद तरीके से हलने लगते। निश्चय बातें आश्चर्यजनक। तो तात्पर्य बताते हैं अभी गोपियां किसकी प्रशंसा कर रही हैं। गोपियां बोलते कृष्ण बलराम कभी कभी गौओं की जो नोइया मतलब जो उनके निरियोग पाश हैं कभी अपने सिरों में लपेट लेते, कभी अपने कंधों पर रख लेते, उस रस्सी की प्रशंसा कर रही है जो गायों को बांधने की, गायों की टांग को बांधने का काम, कि जब गाय को दूध दोह लेते हैं तो फिर उसको या तो वो अपने कंधे पे रख लेते हैं कृष्ण बलराम या फिर सिर पे लपेट लेते हैं। और इस तरह ये ग्वाल बालों के समस्त उपकरणों से सुशोभित होते हैं। ये ग्वाल बालों के उपकरण है, ग्वाल बालों के उपकरण क्या है, एक लकुटी होना चाहिए गाय चराने के लिए और एक ये निरियोग पाश होना चाहिए, रस्सी होना चाहिए।
यही तो ग्वाल वाले को, और अपना एक टिफिन बॉक्स होना चाहिए गायों को चराने। कितना सिंपल है उसमें लाइफ, उसको एक टिफिन चाहिए और एक रस्सी चाहिए और एक लकुटी चाहिए। गाय चराने जब ग्वाल जाता, जो उनकी थोड़ा बहुत माता श्रृंगार करती, लेकिन आगे श्रृंगार तो वो वहीं वहीं पे फूल पत्ते अपने सिरों पे लगाते हैं, पुष्पों से अपने आप को सजाते हैं, खेलते खेलते। तो भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में इसलिए आते हैं कि वो बताते हैं कि ग्वाल बाल की एक लाइफ कितनी सिंपल है, और उसको लोग सबसे नीचे मानते हैं। भगवान उस भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लिया, शुक्र रूप में अवतार लिए। भगवान सोचते कि लोग सोचते हैं कि हायर योनि में, हायर कुल में, उच्च कुल में, उच्च योनि में जन्म ले तब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो अवतरित सबसे नीचे योनि, जलचर योनि तो नीचे मानी जाती है, उसमें मत्स्य के रूप में अवतार लिया। शुक्र जो पशुओं में निम्न कोटि का माना जाता है उसमें अवतार लिया, और मनुष्यों में जो ग्वाल बाल जो जाति प्रथा में अहीर बालक माना जाता है उसमें जन्म लिया। और वो बताते हैं कि इस जन्म में वो कितने प्रसन्न है और सबको, उनके साथ वाल वाले को, उनको वंश वालों को सबको प्रसन्न है। गाय पालने वाले युग में ग्वाल बाल के रूप में जन्म लिया, वो जन्म भी श्रेष्ठ है। ग्वाल बालों का जो कृष्ण के साथ है, उन ग्वाल बालों का जन्म ब्राह्मणों से कई गुना, सबसे कई गुना श्रेष्ठ है, बड़े बड़े भक्तों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सिंपल तरीके से भगवान की भक्ति कर, केवल भगवान को आनंद देने के लिए भक्ति करते, भगवान जैसा बोलते वैसा करते। भक्ति इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल, इतनी सरल है कि भगवान जो कह रहे हैं उसका पालन करना, इसी में उनकी प्रसन्नता। इस संसार में भक्ति को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि व्यक्ति ने जो भगवान नहीं चाहते वो सारी चीज करना, और जो भगवान चाहते वो नहीं करना। भक्ति कितना बड़ा तथा कथित सो कॉल्ड डिवोशन, सभी कितना बड़ा आडंबर, जो भगवान चाहते हैं उसको नहीं करना। तो भगवान ने तो इसीलिए सबसे पहले भगवद गीता दी कि पहले ये जो मैं चाह रहा हूँ वो कर लो, आप उसके ऊपर जो भी करोगे वो भक्ति सफल हो। इस संसार में बड़े बड़े देखते, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं, बड़े बड़े भक्ति के नाम पे क्या कुछ नहीं होता अदर देन भगवान को प्रसन्न करने के। भगवान की प्रसन्नता के अलावा सारा काम होता है अपनी प्रसन्नता के लिए होता है। वास्तव में व्यक्ति भगवान के नाम पे क्या क्या नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के नाम पे अपनी प्रसन्नता उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। तो भक्ति को भी उसने आडंबर बना दिया व्यक्ति ने, उसमें भी अपनी इंद्रिय तृप्ति घुसा दिया कि जब तक बड़े बड़े आडंबर नहीं करेंगे तब तक वो भक्ति नहीं कहलाएगा। वास्तव में ग्वाल बाल तो सिंपली कृष्ण के साथ खेलते खेलते उनको प्रसन्न रखते, बस जो कृष्ण चाहते हैं वही करना है, वही भक्ति, उसी से वो प्रसन्न है। भगवान की भक्ति तो क्या, टू प्लीज द लॉर्ड बाय डिवोशन सर्विस, डिवोशन सर्विस मतलब जो जैसा बोल रहे हैं उसी में डिवोट। इतनी सरल भक्ति को जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड बना गया कि लोग वो भक्ति करने में डर लगता है। लोग इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागते हैं, मेरी प्रसन्नता किसमें रहेगी, अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो उसकी प्रसन्नता भी उसी में हो जाएगी। जीव की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता का अंश है और उसका बाई प्रोडक्ट है। भगवान प्रसन्न है तो जीव प्रसन्न रहेगा, भगवान प्रसन्न नहीं तो जीव कितना भी चाहे भक्ति के नाम पर आडंबर कर ले तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ग्वाल बालों के उदाहरण से पता लगता है कि वो तो गोपियां तो भगवान की रस्सी को ही सौभाग्यशाली मान रही, क्योंकि रस्सी भगवान के काम आती है। जो चीज भगवान के काम आती है भगवान को प्रसन्नता देती, जो चीज भगवान के काम नहीं थे यूज से वेस्टेज जंक मटेरियल है
जो भगवान के काम नहीं आता। इसलिए भगवान भगवत गीता में सारा उपदेश दे रहे हैं कि मैं किस चीज से प्रसन्न रहता हूं। मैं तो खाली पत्र चढ़ा के प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं तो खाली पुष्प चढ़ा के प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं पानी से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, बस उसमें मेरे को लव एंड डिवोशन चाहिए। उसके बिना बड़ी बड़ी चीजें में मैं स्वीकार नहीं करता, कितने भी बड़े बड़े आडंबर हो मैं स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे ग्वाल बाल जब इस ब्रांच लगता है कि रस्सी से भी बोलने, क्योंकि वास्तव में रस्सी भी जीव है। ये जो आध्यात्मिक जगत में सारी आध्यात्मिक लीला है, इसमें रस्सी भी जीव है। इसलिए गोपियां बोल रही है कि ये रस्सियों का स्वभाव कितना है, जब गाय नहीं दूते तो अपने कंधे पे लटका लेते हैं या अपने सिर पे बांध लेते हैं, कितनी सौभाग्यशाली ये रस्सियां। और ये रस्सियां जूट की नहीं होती जैसा आजकल बनता है, ये जूट वाली रस्सियां नहीं। उस समय जूट जैसे मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कृष्ण बलराम पीताम्बर की, अपने पीताम्बर की रस्सियां बनाते हैं, अपने पीताम्बर की ये निरयोग पाश बनाते हैं। अपने पीताम्बर, अपने वस्त्र का, अपने पीले वस्त्र का निरयोग पाश बनाते हैं गायों को बांधने का, क्योंकि गाय को तुच्छ प्राणी नहीं समझते। कृष्ण बलराम ग्वाल वाले गायों को तुच्छ प्राणी नहीं समझते, क्योंकि वो तो सबकी माता है, उसी से तो सारा जो जीवन चलता है। तो कृष्ण बलराम पीताम्बर की, अपने वस्त्रों की वो बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं जो गायों के पीछे बांधने का, और जिनके दोनों सिरों पर मोतियों के गुच्छे रहते। कृष्ण का जो पीताम्बर था उसमें दोनों सिरों के ऊपर मोतियों के बंच रहते, और इन बाद में फिर इन्हीं रस्सियों को, जो इस तरीके से पीताम्बर से बनी रस्सियों को अपने दुपट्टे के चारों लपेट लेते हैं, और इस तरह ये रस्सियां विचित्र अलंकार बन जाती है। वही जो गाय को बांधने वाली है वही अपने शरीर पर बांधते, क्योंकि गाय तुच्छ प्राणी नहीं है, भगवान गायों को अपने बराबर मानते। अपने वस्त्रों से वो बनाते और बाद में फिर उसी को अपने ऊपर डाल लेते। इसलिए गोपियां जो है इन रस्सियों की, इन निरयोग पाशों की प्रशंसा करें कि इनको भी तो कृष्ण अपने कंधे पे ले लेते हैं, अपने सिर पे बांध लेते। इस प्रकार से गोपियां जो है निरयोग पाश की भी प्रशंसा करें। और साथ में फिर कृष्ण और बलराम जो है एक वन से दूसरे विचरण में करते हैं, तो उस समय जितने भी जंगम पशु पक्षी मतलब चर और स्थावर जो जड़ की भांति स्थिर होते हैं, जैसे पर्वत नदियां आदि जंगम और स्थावर को धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो चर अचर बन जाते हैं और अचर चर बन जाते हैं। कृष्ण जब उनको निहारते हैं, उनको देख के आगे जाते हैं। वृक्षों में अर्थात वृक्षों में पुलक आदि उत्पन्न हो जाता है, वृक्षों में आंसू और पुलक उत्पन्न हो जाते हैं, और जो नदियां हैं जो चलने वाली हैं वो स्थिर हो जाती है। इस तरीके से इस प्रकार गोपियां बोलती हैं कि वहां जाने में हमें अभी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायों के पीछे पीछे चलने वाले श्री कृष्ण की एक वन से दूसरे वन में जाने की संभावना है। यही कह रहे हैं, जो स्नेहवश कृष्ण का पालन करते हैं, उन सखाओं के साथ जो भ्रमण करते हैं, कई सखाए जो कृष्ण में शायद एक दो दिन भी हो, बलराम जी तो खाली 8 दिन थे,
लेकिन वो कृष्ण का उनमें कभी कभी वात्सल्य भाव आता है, कभी साख्य भाव आता है। यहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण का जो पालन, जो स्नेह व श्री कृष्ण का पालन करते हैं, उन सखाओं के साथ जो भ्रमण करते हैं। प्रातः काल में जब यशोदा मैया कृष्ण को गाय चराने भेजती तो बोलते है सुबल हे सुबल हे बलाई मधुमंगल तुम लोग कृष्ण की रक्षा करना। छोटे छोटे बालक है अभी, एक एक दो दो दिन अंतर है। बोलते तुम लोग कृष्ण की रक्षा करना। इस प्रकार उनको कृष्ण की रक्षा में नियुक्त करती है भेजने से पहले यशोदा मैया। तयोगागनयत श्री बलराम और श्री कृष्ण वन में गोचारण के समय ऐसी विचित्र घटनाएं होती है। ये घटनाएं कैसे होती है इसके उत्तर में सखियां कह रही हैं, सुमधुर वेणु ध्वनि को सुनकर देहधारियों में जो चलने वाले हैं, जो चर है वो अचर हो जाते हैं, और वृक्ष आदि जो स्थावर हैं, जो स्थित हैं, वे उनमें जंगम या चर के प्राणी के हो जाते हैं, लक्षण प्रस्तुत हो जाते हैं। ये अत्यंत आश्चर्य का विषय गोपियां बोलती। देखो वृक्ष कैसे रो रहे हैं और नदियां तो चलने वाली कैसे स्थिर हो गई हैं, और गोदोहन के समय चंचल बछड़ों को उनकी माताओं की जंघाओं से बांधने की रस्सी को निरियोग कहते हैं। तो चंचल बछड़ों को अपनी बात, क्योंकि बछड़े भाग जाएंगे नहीं तो, दूसरी चीज है कि माता के पास अगर बछड़ा बंधा रहता है तो माता को लगता है कि मैं सही थी कि दूध दे रही हूं, सही जगह पे दूध दे रही। तो इसलिए निरियोग पाशकृत लक्षण गोदोहन के समय चंचल बछड़ों को उनकी माताओं के जंगाओं से बांधने की रस्सी को निरियोग करते हैं, तथा तो चंचल गायों को दोहने के समय स्थिर रखने के लिए जिस रस्सी से उनके पैरों को बांधा जाता है उसे पाश कहते हैं। इसलिए बोला कि निरियोग पाश एक बछड़ों को बांधने के, गाय से बांधने के काम आता है, और एक दूध दूहते समय गायों को बांधने का काम आता है। इससे बलराम श्री कृष्ण की अतिशय शोभा बढ़ रही है। उस रस्सी के दोनों अग्र भागों में मुक्ता की लड़ियां लटक रही है, क्योंकि वो रस्सियां जूट की नहीं है, वो अच्छे पदार्थ की, गायों के लिए उसके पीताम्बर के, कृष्ण के पीताम्बर की बनी हुई है। उनसे कृष्ण बलराम की अतिशय शोभा बढ़ रही है, और उस दोनों रस्सी के दोनों अग्र भागों में मुक्ता की लड़ियां लटक रही है। इसलिए वो कृष्ण के मस्तक पर स्थित वो रस्सी पगड़ी की भांति दर्शकों के मन को मोहित कर रही, अर्थात मस्तक पर गाय के पिछले पैर बांधने वाली रस्सी और कंधे पर पाश स्थापन कर गोपाधिपति, गोपों के अधिपति सुशोभित होकर कृष्ण बलराम सबका मन आनंद कर। तो वास्तव में उनकी सुंदरता है, उनकी सुंदरता उनके वस्त्रों से नहीं आ रही है। आधुनिक युग में बस जब व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है तो अपनी सारी ऐसी सारी चीजें पहनता है जिससे उसकी सुंदरता बढ़े, आर्टिफिशियल चीजें सुंदरता बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे उनकी वास्तविक सुंदरता है कि वो रस्सी भी अगर कंधे पे रख ले या सिर पे बांध ले वो और भी सुंदर लगता है। उसमें बोला गया है इस प्रकार कृष्ण बलराम सुशोभित होकर सबका मन हरण कर लेते, जो भी वो कार्य कर ले कृष्ण वो फैशन है। आदि में क्या होता है जो सारे लोग करते हैं उसको हम कॉपी करते हैं, उसको फैशन फॉलोअर, लेकिन यहाँ मतलब कृष्ण और बलराम जो कार्य करते हैं वही फैशन, ओरिजिनलिटी है हमें। और बाल बाल जो है बाल बालों की ड्रेस और अपने आप को पगड़ी बांध के ये उनकी विशेषता, ये उनका सुंदरता बढ़ाना, उनमें प्राकृतिक सुंदरता नैसर्गिक सुंदरता। इस तरह से ये ग्वाल बालों की और इस रस्सी की महिमा का वर्णन हो रहा है। अंत में इस अध्याय के अंतिम श्लोक में 20वें श्लोक में गोपियां कह रही है एवं विधा भगवत या वृंदावन चारिण मणियंत मित गोप्य क्रीड़ा तत्मयताम।
इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामय लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतः निमग्न हो गई। देखिए उनकी गपशप भी कैसी चल रही, कृष्ण के बारे में उनकी गपशप चल रही। तो कोई बोल सकता है कि गोपियां गपशप नहीं करती, उनकी गपशप चल रही कृष्ण के बारे में, कृष्ण की प्रशंसा। इस तरह वृंदावन के जंगल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ा क्रीड़ामय लीलाओं को एक दूसरे से कहती हुई गोपियां उनके विचारों के तल निमग्न। इस भौतिक संसार में जो गपशप होती है तो अलग अलग विषयों पे होती है, उसमें किसी की प्रशंसा की जाती है, किसी की बुराई की जाती है, नहीं तो गप और शप कंप्लीट नहीं होती। एक को ऊंचा किया जाता है, एक को नीचे किया, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति में ये डिफेक्ट है, ये क्योंकि टॉपिक वो बैलेंसिंग करने के लिए, खाली प्रशंसा प्रशंसा में गपशप नहीं होती। गपशप प्रशंसा इसका इससे तुलना, इसके इससे तुलना, इसके ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा, तब जाके कंप्लीट। ऐसे सब सारे एरिया में, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो या सब में, ये इवन भक्तों की वार्तालाप भी, ये अच्छा भक्त बहुत सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ये भक्त नीचे है, ये भक्त इसको ये एटिकेट्स नहीं। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपॉइंट किया है कि किसमें एटिकेट्स नहीं, ऐसे ही उसके बारे में कोई और असेसमेंट कर रहा होगा, उस व्यक्ति के बारे में कोई इस प्रकार से गपशप कर रहा होगा। तो हर कोई व्यक्ति दूसरे का असेसमेंट करता रहता, निर्धारण करता है, इस तरीके से दुनिया में गपशप चलती है, उसमें राजनीतिक सामाजिक और सारे प्रकार की। तो यहाँ पर गोपियां एक दूसरे को कहती हुई इस प्रकार की वार्तालाप करती हुई, कृष्ण के बारे में वार्तालाप करती, अब उनके विचारों में पूर्णतः उसी में डूब गई। इसलिए इस संबंध में प्रभुपाद ने टीका करी कि यह कृष्ण भावना मत का पूर्ण उदाहरण है। कृष्ण भावनावाद का परफेक्ट एग्जाम्पल लेके वो सारे टाइम कृष्ण के बारे में करती हुई, कृष्ण के विचारों में डुबंग्न हो जाती, उनकी प्रसन्नता भी उसी में प्रसन्न होती, उसी में निराश होती, दोनों चीज उनके प्रसन्नता और निराशा का सोर्स एक ही है कृष्ण। हमारे इस भौतिक जगत में हर्ष विषय क्या रहता है, कोई भौतिक उपलब्धि हो गई, कुछ भौतिक प्राप्ति हो गई, कुछ होगी तो वो हमारा हर्ष का विषय, और नहीं हुई तो हमारा निराश, बस उतने तक ही। जड़ व्यक्ति या जड़ पदार्थ, कोई भौतिक व्यक्ति या जड़ पदार्थ तक, उसी तक हमारी प्रसन्नता है, उसी तक हमारा वो सीमित दायरा, हमारी प्रसन्नता हर्ष और निराशा का सीमित दायरा। इनके लिए हर्ष निराशा का कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी, अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो इनके हर्ष का अगर उनसे मिलनी तो इनका हर्ष हो गया, उनसे नहीं मिली निराश। लेकिन इनके लिए दोनों ही आध्यात्मिक है, हमारे लिए हर्ष और निराश भौतिक है, टेम्परेरी। अगले दिन हर्ष और निराश किसी और चीज से होंगे, उसके अगले दिन किसी और चीज से हर्ष और निराश होंगे, उसके अगले दिन किसी और से, रोज का काम। और रोज में दिन में भी कई बार अलग अलग जगह किसी चीज, मॉर्निंग में किसी चीज से हर्ष निराश होगी, आफ्टरनून में किसी हर्ष निराश होगी, इवनिंग में किसी हर्ष, उतना टेम्परेरी हमारी हर्ष निराशा, उतना टेम्परेरी व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि व्यक्ति किस चीज से हर्षित हो जाए, किस चीज से निराश हो जाए। व्यक्ति वस्तु वाणी मन सब इतनी जल्दी व्यक्ति फ्लिकर होता है भौतिक जगत, पता नहीं किस चीज से हर्ष हो जाए, किस चीज से निराश हो जाए, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन गोपी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कृष्ण से मिलन उनका हर्ष का कारण है, कृष्ण विरह उनका दुख का कारण है, लेकिन दोनों ही उनके आनंद का कारण, इंटरनली दोनों ही उनके अंदर, सब्जेक्ट एक ही उनकी लाइफ जीवन में कृष्ण, एक ही सब्जेक्ट है, उसी के अराउंड पूरा उनका जीवन घूमता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं टिप्पणी में, ये कृष्ण भावनामृत का पूर्ण उदाहरण है, ये कृष्ण भावनामृत का उदाहरण, जिससे जिससे किसी न किसी तरह व्यक्ति कृष्ण के विचारों में निमग्न रहा जा रहा है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कृष्ण, उसी से हर्ष और उसी से निराश।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया कि भगवान की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है गोपियों की विधि है। गोपियां किसी उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में नहीं हुई थी, वे ग्वाल बाल अहिर वंश में जो वैश्यों में भी नीचे माना जाता है, अहिर कुल में उत्पन्न थे, जो वैश्य कुल में उत्पन्न नहीं थे, जो कोई बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं था, अभी तो वैश्य में भी ग्वालों का परिवार था। गाय चराने वाले को तो मूर्ख बोला जाता है, लेकिन भगवान तो गाय चराते, कितना सिंपल काम करते, कितना सरल काम करते। वे ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, यद्यपि उन्होंने वैदिक ज्ञान में सिद्ध ब्राह्मणों से सभी प्रकार का ज्ञान सुना था, लेकिन वो सिद्ध नहीं थी। लेकिन गोपियों का तो एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहना, चाहे आशा हो कृष्ण से मिलने की, चाहे निराशा हो, उद्देश्य है कि कृष्ण सब्जेक्ट कृष्ण ही, वही उनको आनंद देता है, चाहे हर्ष हो जाए या शोक हो जाए, उसी के सब्जेक्ट पे होगा, लेकिन अल्टीमेटली वही सब्जेक्ट उनको आनंद दे रहा है। ये है गोपियों का जीवन और ये है परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस भौतिक जगत में हर्ष और निराशा के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग होते हैं। कई बार जो जो चीज बहुत प्रसन्नता देती है, वो अगर रेगुलर रूटीन में हो जाए तो वो चीज प्रसन्नता देना करके कई बार शोक का कारण बन जाता है। जैसे किसी राजा को महल में रहते रहते वो महल में ही बोर हो जाता है। राजा महल में रहते थे, बोले थे महल, शुरू में जब मिला महल तो खुशी हुई कि अच्छा महल है सब कुछ है, लेकिन महल में रहते तो निराश हो जाते, अब उसको प्रसन्नता के लिए कुछ और चीज चाहिए। उसने नए वस्त्र पहने, वो प्रसन्नता एक या दो दिन दिया, अगले दिन फिर नई प्रसन्नता चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति को भौतिक जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लगातार श्रम करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी हर्ष और प्रसन्नता उसमें उसकी बहुत जड़ वस्तुओं में, जो वास्तव में आनंद नहीं दे पाती, फिर भी वो ट्राई करता रहता है कि मैं ये चेंज करता जाऊँ, सारी चीजें मैं चेंज करूं, इसके कारण मुझे प्रसन्नता मिलेगी। तो इसका मतलब उसका जीवन कितना बोरिंग है, इसको चेंज चेंज करने से। गोपियों के जीवन में कोई बोरियत नहीं है, गोपियों के जीवन में कृष्ण ही उनका सब्जेक्ट है। तो वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बोरियत कम है, भौतिक व्यक्ति के लिए बोरियत ज्यादा है, क्योंकि आध्यात्मिक ने उसने तो परमानेंट चीज में मन लगा लिया जो आनंद देने वाली, लेकिन भौतिक चीजों को तो रोज वैरायटी चेंज करनी पड़ेगी, डेली और दिन में कई बार वैरायटी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इसके पश्चात आचार्य लोग इस अध्याय पर टिप्पणी करते हैं, जिसको हम पूरे अध्याय को संक्षिप्त में कर लेंगे, उसका सारांश हो जाएगा। इसी का आचार्य लोग सारांश बता रहे हैं। श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज रमणीया पहले गोवर्धन पर्वत के शोभा के वर्णन करती है, कहती है सखी गोवर्धन पर्वत तो हरिदास वरी है, अतः वे विविध प्रकार से कृष्ण की सेवा करेंगे, हम श्री कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर कृतार्थ होंगे, तो उसमें आश्चर्य होने की बात क्या है। हम भी यदि गोवर्धन पर्वत की भांति हरिदास वरी हो सकती तब हमें भी विविध प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता, एवं हम भी श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर कृतार्थ हो जाते, किंतु हम सदा सर्वदा ही ग्रह काराकार में आबद्ध हैं, एवं देह देह आदि के विषयों में ही मत हैं, हम देह और देह से संबंधित विषयों में मत हैं, अतः हमारा ऐसा सौभाग्य कहा।
इस वृंदावन में स्थावर जंगम आदि सब जीव परम धन्य है, क्योंकि वे सभी किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण से अपने संबंध का लाभ उठाकर कृतार्थ हो रहे। तो गोपियां जो ऑलरेडी मुक्त हैं वो बोल रही कि हम देह शरीर और शरीर से संबंधित चीजों में व्यस्त मत है उसी में, जबकि तो ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि कृष्ण के बारे में सोच रही तो उनका तो किसी वो देह को देह धन और ऑलरेडी उनको छोड़ चुकी है, उनके उनमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। क्योंकि जब कृष्ण ने रासलीला में उनको बुलाया था तो उनको देह की सुध बुध भूल गई थी, किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, किसी ने एक आंख में काजल नहीं लगाया, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई आभूषण एक हाथ में पहना है किसी ने आभूषण नहीं पहना है, तो उनकी देह की सुध बुध तो है नहीं उनको। लेकिन यहाँ जब दूसरे जीवों से तुलना करी तो बोल रही कि देखो सारे जीव परम धन्य है, हम तो देह और देह आदि देह से संबंधित विषयों में मत है। सब लोगों का देखो कृष्ण से किस प्रकार से संबंध है, केवल मात्र हम लोग ही दुर्भाग्य के कारण किसी भी प्रकार से ऐसे सौभाग्य की हमें गंध भी नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार वर्णन करती प्रेमवती ब्रज रमणियों का श्री कृष्ण के गोचारण निमित्त वन गमन और मधुर वेणुवादन लीला की स्फूर्ति हो गई, उनके हृदय में पूरा प्रकाशित हो गई वो सारी लीलाएं जो वन में चल रही थी। वे मानव साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति की भांति आनंद और प्रेम व्यवस्था में अभिभूत होकर कहने लगी, देखो देखो सखी, अभी वहां की कमेंट्री सुना रही सारी, देखो सखी ये नटवर शेखर श्याम सुंदर किस तरह से एक वन में दूसरे वन एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, ये वो उनके वेणुनाश से कैसे स्थावर जंगम आदि सभी जीव प्रेमानंद तन्मय हो रहे, पूरा रनिंग कमेंट्री सुना रही किस तरीके से जा रहे हैं एक जगह, उनके हृदय में पूरी लीला प्रकाशित हो रही, ये गोपियों का भाव है। आगे गोपियां उसी के बारे में वर्णन करती बोलती, हमारे श्याम सुंदर असंख्य गायों को लेकर वन में जाते हैं, अतः उनके लिए छोटे से स्थान में विचरण करना संभव नहीं है, सुविशाल ब्रजमंडल के एक वन से दूसरे वन में जाए बिना इतनी असंख्य गायों को चराना संभव नहीं है। तो गोपियां अभी कृष्ण का फेवर करती बोलती है कि इसलिए एक एक वन से दूसरे वन में इसलिए जाना पड़ता है कि भाई जो इतनी सारी गायों को एक वन में कैसे चराया जाए, विचरण करना संभव नहीं है, उतना घास भी नहीं मिलेगा, इसलिए एक वन से दूसरे वन में कृष्ण जाते हैं। इसलिए वे असंख्य ग्वालपालों और बलदेव जी के साथ में लेकर असंख्य गायों को चराने के लिए एक वन से दूसरे वन में जाते हैं। उस समय बलराम और कृष्ण दोनों भाई निरियोग और पाश से युक्त होकर, सुंदर शब्द बताया निरियोग और पाश से, निरियोग मतलब जो बछड़े को बांधने के लिए गाय के साथ बांधने के लिए होता है उस, और जो पाश होता है वो दूध दोहते टाइम होता है, निरियोग पाश युक्त रहते हैं सुशोभित हो रहे हैं। गोदहन के समय चंचल बछड़ों के लिए जिस रस्सी का व्यवहार किया जाता है उसे निरियोग कहते हैं, एवं चंचल गायों के पीछे दोनों पैरों को बांधने के लिए जिस रस्सी का व्यवहार किया जाता है उसका नाम पाश। श्री कृष्ण जिस निरियोग और पाश का व्यवहार करते हैं वो पीताम्बर के पटवस्त्र के द्वारा निर्मित और उसके दोनों किनारों में मोतियों की लड़ियां चलती। तो श्री कृष्ण जब गौचारण में जाते हैं तब उनकी पगड़ी के ऊपर वैश्चित निरियोग एवं कंधे पर लटकता हुआ पाश अत्यंत सुशोभित होता है, उनका यह वेश गोपियों को बड़ा मनोरम लगता है, भगवान गाय की रस्सी ले रहे हैं तो ये गोपियों को और भी ज्यादा सुंदर लगता है। जबकि एक साधारण व्यक्ति ऐसे निकलेगा सड़क पे तो बोलेगा अरे क्या लटकाया हुआ है, एक कंधे पे क्या लटकाया हुआ, सिर पे क्या लटकाया हुआ, क्योंकि भौतिक जगह पे ये ऐसी चीजों पे ध्यान देता है। लेकिन यह गोपियां हैं, गोपियों को तो कृष्ण कुछ भी पहन ले उनको हर चीज और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये रस्सी बांधे रस्सी सिर पे बांधे या रस्सी कंधे पे लटकी गोपियों को और भी मनोहर लगे। देखिए गोपियों को भाव देखिए, गोप रमणियों के लिए श्री कृष्ण की ग्वाल बाल उचित वेशभूषा चित्त आकर्षित, ये ग्वाल बाल की वेशभूषा चित्त आकर्षित कर लेगी क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम है,
कृष्ण के वस्त्रों से प्रेम नहीं, कृष्ण से प्रेम है। और ऐसा प्रेम आध्यात्मिक से, क्योंकि इस संसार में जो प्रेम है एक्सटर्नल चीजों से, धन से प्रेम है, वस्त्रों से प्रेम है, धन से प्रेम। कोई व्यक्ति किसी की तरफ देख के उसकी रेपुटेशन अच्छी होना चाहिए, व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, रेपुटेशन अच्छा चाहिए, बातचीत करने में अच्छा होना चाहिए, धनी होना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, सुंदर सुंदर बातें करना चाहिए, उसका समाज में उसका उसका धन, उसका जॉब अच्छा होना चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। सारा संसार देखेंगे तो चूज करने में एक्सटर्नल चीजों से आकर्षित होता है, वास्तव में किसी को किसी से प्रेम है नहीं। जब तक उसके पास ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं, सारे पुरुष और सारी स्त्रियां उसी तरफ आकर्षित हो, और जिसके पास जो ऐसा कृष्ण जैसा वेश बना लेगा ग्वाल बाल का, उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। इसलिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कितना एक दूसरे का विपरीत है। यहाँ पे उन्होंने रस्सी बांधी उसे पर रस्सी लटकाई तो गोपियां और भी आकर्षित हो रही, क्योंकि और भी अभी ग्वाल बाल, वास्तव में उनको कृष्ण से आकर्षण है। उनको उनकी वो कृष्ण जो भी ड्रेस पहन ले, जो भी ड्रेस पहन ले, वो सिर पे नीचे गिरा हो, मोर पंख लगा लें, कलरफुल कर लें अपने आप को, मिट्टी के कलर लगा लें। कई बार जब गाय चराने आते हैं तो कृष्ण धूल से भरे हुए रहते हैं, गोपियां को और भी ज्यादा धूल से भरा हुआ आदमी किसको अच्छा लगता है। जब वो धूल दूसरित हो जाते हैं, धूल से भरे हो जाते हैं, तो और भी सुंदर लगते हैं शाम को जब गाय चरा के आते गोपी। तो गोपियों का भाव तो देखिए कैसे, किसी भी एक्सटर्नल चीज से इंप्रेस नहीं हो रही, किसी भी एक्सटर्नल चीज से नहीं हो रही, उनको इंप्रेशन है कृष्ण से मतलब है। लेकिन भौतिक संसार में देखा जाता है कि कोई ग्वाल बाल ऐसे गंवार उससे कोई विवाह नहीं करने को तैयार होती, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, अरे तो गंवार होती, एजुकेशन नहीं है, धन नहीं है, दिखने में गंवार जैसा, ड्रेस गंवार जैसी, बातें गंवार जैसी, लेकिन देखिए आध्यात्मिक जगत इसका मतलब क्या, इसमें आर्टिफिशियल है। आध्यात्मिक जगत रियल है, भौतिक जगत रियल है, यह वेश गोपियों को बड़ा मनोरम लग रहा है। जिस भौतिक संसार में जिस जिस चीजों को बुरा माना जाए, धूल से भरा हुआ आदमी किसको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ धूल से भरा हुआ आदमी गोपियों को अच्छा लगता है। ग्वाल बालों के वस्त्र, यहाँ तो व्यक्ति जितना मॉडर्न वस्त्र पहनेगा या फिर जितना अपने को बॉडीली एक्सपोज करेगा, वो उतना आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो जो वेस्टर्न क्लॉथ है सब बॉडी को एक्सपोज करने के लिए बनाया, क्योंकि और किसी तरीके से आकर्षण हो नहीं सकता, तो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, आकर्षण के लिए क्लॉथ से आकर्षण करते, और कुछ है नहीं आकर्षित करने के, अंदर कुछ है नहीं, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न कुछ है, तो चलो वस्त्रों से ही आकर्षण करते, क्या कर सकते। तो इसलिए ये यहाँ पे गोपियां, लेकिन उन सब चीजें गोपियां को कृष्ण से ही आकर्षण, तो कृष्ण जो पहन ले उनके लिए वही बड़ा वही फैशन। तो गोप रमणी प्लस श्री कृष्ण की ग्वाल बाल उचित वेशभूषा चित्त को आकर्षित करती है उनकी, विशेषकर उनकी पगड़ी के ऊपर ये जो रस्सी बंधी हुई है, ये कंधे पे लटी हुई रस्सी, ये नवीन आयु को प्रकाशित, उनकी नवीन आयु को प्रकाशित करती है। यद्यपि गोप रमणिया सर्वदा केवल मात्र श्री कृष्ण के अंग माधुर्य का आस्वादन करती है एवं श्री कृष्ण का रूप सर्वदा उनके हृदय में जागरूक रहता है, फिर भी अपना श्री कृष्ण निष्ठ प्रेम छिपाने के लिए वे बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की बात बार बार करती, बीच में बलराम जी को भी इंक्लूड कर लेती हैं, क्योंकि इससे लगे नहीं कि उनका खाली प्रेम प्रेम खाली कृष्ण के प्रति है, किसी को पता नहीं लगे। श्री बलराम और कृष्ण दोनों भाई निर्योग और पास से परिशोभित होकर गौचारण के लिए वन में जाते हैं, तब उनकी इस भुवन मोह मूर्ति को देखकर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें
कलयुग में जो सुंदरता आएगी, बालों से और वस्त्रों से व्यक्ति अपनी सुंदरता प्रदर्शित करेगा, उसके पास और कुछ है नहीं, मटेरियल नहीं है, बालों और वस्त्रों से अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। जबकि ये युग में, वैदिक युग में व्यक्ति की सुंदरता रहती थी, व्यक्ति की पर्सनल सुंदरता है, चाहे वो कुछ भी पहन ले, हर वेशभूषा में और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया, उन जब वो इस प्रकार रस्सी बांध के वन में जाते हैं, तब उनकी इस भुवन मोहन मूर्ति को देखकर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। उनके इस भुवन मोहन रूप दर्शन करने के लिए सभी जीव उन्मत्त होते हैं। उसमें जब भी वे दूर दूर में चल रही गायों को बुलाने के लिए भुवन मोहिनी बंशी बजाते हैं, तब कैसी स्थिति होती है, इसका वर्णन करना असंभव है। हमारे श्री कृष्ण के वेणु का नाद स्वभाव से उदार है। गोपियां बोलती है, हमारे श्री कृष्ण के वेणु का नाद स्वभाव से उदार है। वह व्रज के समस्त प्राणियों के कानों में प्रवेश कर सबके हृदय में एक अभिनव परमानंद के समुद्र को उद्लेखित करता है। केवल इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के वेणु का कलनाद सुनने से सबको ऐसा लगता है मानो कृष्ण संकेत से मुझको बुला रहे हैं। कृष्ण के वेणुनाद से ऐसा लगता है कि कृष्ण संकेत से सबको बुला रहे हैं। श्री कृष्ण के मोहक वेणुनाद के साथ उनके चरणों में स्थित मणि नुपुरों का भी रुंझुन शब्द मिलकर माधुर्य को और भी वर्धित करता है। उनके कानों में पड़ती किसी का धैर्य नहीं रहता। कृष्ण के खाली पाइजे, सिंपल पाइजे जो पहने हुए, नुपुर पहने हुए, उसके बजने से ही सब लोग उसके शेप पे नहीं जाने के गोल्ड के बने, चांदी के बने या ब्रास के बने, उसकी आवाज से। तो श्री कृष्ण का जो आकर्षण है, वो सब्सटेंस का आकर्षण है, वास्तविक पदार्थ का आकर्षण, वास्तविक चीज का आकर्षण। और भौतिक जगत में जो आकर्षण है वो आर्टिफिशियल है, जिसको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा। तो निरियोग और पाश, मतलब ये दो रस्सियों से परिशोभित श्री कृष्ण के परम मनोहर गोपबाल कोचित वेश वेणु वादन के माधुर्य का वर्णन करती है। गोपियां प्रेमावेश में लनमय को बोलती, सखी श्री कृष्ण का निरियोग एवं पाश, मतलब ये दो रस्सियां, देखने में लगता है, वास्तव में निरियोग पाश है, देखने में रस्सियां लगती है, जिसमें निश्चित रूप से एवं अविच्छिन्न रूप से चिरकाल के लिए योग अर्थात मिलन होता है, या निर्विकल समाधि योग भी जिसके सामने तुच्छ है। ऐसे प्रेम पाश को श्री कृष्ण ने निरियोग पाश के रूप में धारण किया है, और ब्रजवासी वनवासी जीवों को उसके द्वारा विवश कर उस प्रेम पाश का लक्षण प्रदर्शित किया। इस प्रकार इन निरियोग पाश, मतलब रस्सियों से परिशोभित कृष्ण जब वन भूमि उपस्थित होकर मधुर वेणुनाद करते हैं, तब वन भूमि के जो स्थावर जंगम आदि जीवों में कैसा अद्भुत प्रेम विकार होता है, उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपियां कह रहे, श्री कृष्ण के वेणुनाद से वन के मृग पक्षी जितने भी जीव हैं वे सभी स्पंदहीन हो जाते हैं, जो चर है वो सब मूर्ति बन जाते हैं, और जो जो वृक्ष है उनमें संवेदनशीलता, उनमें अश्रुपा, ये सब निकल लगता है। तो इस समय उन्हें देखने से लगता है मानो में कोई प्रस्तर मूर्ति या चित्रलिखित मूर्ति है, जो पशु वृक्ष ये सब हो जाते हैं। इस प्रकार सभी जंगम जीव अपनी जंगमता को भूलकर स्थावर धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो चर प्राणी है वो क्या करते हैं, जो चर प्राणी है वो स्तब्धता जड़ता को प्राप्त करके स्थिर हो जाते हैं। वेणुनाथ केवल पशु पक्षी आदि जंगम के प्रति प्रभाव विस्तार करता है, ऐसा नहीं है। वेणुनाथ तो स्थावर जीवों को भी रोमांचित कर देता है, जो स्थिर है उनको भी रोमांचित कर देता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्थावरता छोड़कर जंगमता को प्राप्त कर ले। तो गोपियां बोले, ऐसा लगता है कृष्ण जब ऐसा चलते हैं तो लगता है चर जो है वो अचर हो गए, और जो अचर है वो चर हो गए। केवल इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के वेणुनाद से यमुना मानसी गंगा आदि नदियों का प्रवाह भी स्थगित हो जाता है, नदियां रुक जाती हैं, एवं गोवर्धन आदि पर्वत की शिलाएं भी विगलित होकर धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती।
श्री कृष्ण के वेणुनाथ से वनवासी स्थावर जंगम आदि के स्वधर्म विप्रय और मोह प्राप्ति के विषय में कहती हुई प्रेमवती ब्रज रमणिया कभी दैन्य और ईर्ष्या के आवेग में अधीर हो जाती हैं। यह आध्यात्मिक ईर्ष्या अपनी भक्ति की दूसरे तुलना करना बताना कि हम कितने नीचे हैं। कभी ईर्ष्या के आवेग में अधीर हो जाती कहने लगती सखी निर्योग पाश परिशोभित श्री कृष्ण के मोहन वेणुनाद से वनवासी स्थावर जंगम आदि की स्थिति देखने से लगता है कि श्री कृष्ण मोहन मंत्रविद हैं एवं महाधुर शिरोमणि। उनके संगी सभी ग्वाल बाल सब उनके सहायक हैं। वे वेणुनाथ से सबको मोहित कर निर्योग और पाश द्वारा बंधन करते हैं, उनका सर्वस्व लूट लेते हैं। तो श्री कृष्ण को बोला गया महाधुर मतलब सबसे बड़े लुटेरे हैं। क्या करते हैं लुटेरे? वेणु को बजाते हैं और फिर जो गाय को बांधने वाली रस्सी है उससे सबको प्रेम पाश में बांध देते हैं। वो रस्सियों को अपने कंधे पे लटका के और सिर पे लटका के उसको देख के और भी सुंदर लगते हैं, सबको अपने प्रेम पाश बांधा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इधर से वेणु बजाई उधर से रस्सी से प्रेम पाश से बांध दिया और सबके मन को लूट लेते हैं। बहुत बड़े लुटेरे हैं। बहुत बड़े लुटेरे बोल रही गोपियां, इसलिए बोलती है कि उनका जो इसलिए बोल रहे हैं कि उनका वंशी नाद उनका वेणुनाद सुनना ही नहीं चाहिए। गोपियां बोलती है उनका वेणुनाद कृष्ण का बेटर है कि कृष्ण का वेणुनाद सुना ही नहीं है, लेकिन वो बांध के सबको लूट लेंगे। उनके वेणुनाद से यदि हमारा मन मोहित हो गया एवं उनके पास में आबद्ध हो गए तो हमारा धैर्य लज्जा आदि जो कुछ भी मन की संपत्ति उलूट जाएगी। अतः सखी उस धूर्तराज मतलब उस धोखेबाज के मोहन वेणुनाथ से हमें काम नहीं, हमें अब कोई मतलब नहीं उनके वेणुनाथ से। ये गोपी अंत में चैप्टर के अंत में बोल रही आपस में बात करिए कि इस धूर्तराज मोहन वेणुनाथ से हमें काम नहीं। गोपियां ऐसे शब्द यूज कर सकती हैं, उनका कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, वो नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले दोनों ही भक्ति है। भगवान को पता है उनकी दोनों ही भक्ति, नाराज होकर कुछ भी बोलते वो भी उनकी भक्ति है। वो बोलती सखी बोलती उस धूर्तराज के मोहन वेणुनाथ से अब काम नहीं चलेगा, चलो हम किसी निर्जन स्थान पे चलते जाएं, कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं दे, ऐसी जगह पे चलती जिससे हमारे कानों में वेणुनाथ प्रवेश नहीं कर सके और हम इस तरह से अपने आप को लुटाए नहीं। ये हाइट हो गई उनका गोपियों की महाभाव में। परम शिरोमणि शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार वेणुनाथ के माधुर्य एवं उसके श्रवण से प्रेमवती ब्रज रमणियों के प्रेम विकार और श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए उनकी तीव्र उत्कंठा का वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। हे महाराज परीक्षित से बोलते महाराज भाववती ब्रज रमणियों के भावों के विषय में मैं कितना वर्णन करूं, तुम्हारे निकट मैंने उसका कुछ अंश वर्णन किया है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे इतना बड़ा वेणुगोद बोलने के बाद बोले मैंने तुम्हारा कुछ वंश किया, मैं कितना वर्णन करूं कृष्ण और गोपियों के बीच। श्री कृष्ण के वेणुनाद के श्रवण से भावती ब्रज रमणियों का भाव सिंधु उच्छलित हो जाता है, उनके अंदर जो भाव का प्रेम का जो सागर है वो सागर उछलने लगता है और उसमें कितनी भाव की लहरियां उठती है उसको गणना करने का किसी में सामर्थ्य नहीं। गोपी के अंदर भाव की इतनी लहर उठती। सुखदेव गोस्वामी अंत में बोलते हैं परीक्षित महाराज से, है राजन परम प्रेमवती ब्रज रमणियों का पूर्व राग एवं श्री कृष्ण के साथ मिलने की उत्कंठा में लालसा उद्वेग जागरण आदि विविध भाव आवेश अति विचित्र परम मधुर। उसका संपूर्ण रूप से वर्णन या श्रवण ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है, गोपियों कृष्ण के बीच संवाद, तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहना। मैंने सामान्य रूप से आपके समक्ष इसका कुछ वर्णन कर दिया है परीक्षित, मैंने कुछ वर्णन किया है कृष्ण के गोपियों के समान। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी किसी तरीके से इस वेणु गीत के अध्याय को समाप्त कर बोलने के लिए बोल रहे मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कितना वर्णन करूं, ब्रह्मा जी वर्णन नहीं कर सकते।
इस तरह से ये वेणु गीत कृष्ण के द्वारा जो वेणु गीत की सराहना है, ये अध्याय समाप्त होता है। अब अगला अध्याय जो 22वां अध्याय, जिसमें कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण, उस लीला को हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से ये वेणु गीत बहुत उच्च स्तर का वार्तालाप है, ये समाप्त हुआ, आंशिक रूप से समाप्त हुआ। सुखदेव जी बोल रहे हैं, मैंने तुमको आंशिक रूप से सुनाया। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री वेणु गीत की जय। हरे कृष्णा। जैसा कि सबको पता है, कल से चातुर्मास का तीसरा महीना स्टार्ट हो गया था, 10 सितंबर से। कल से, क्योंकि कल भाद्र पूर्णिमा थी, पूर्णिमा टी पूर्णिमा चलता है, क्योंकि लास्ट में रास पूर्णिमा पे खत्म होगा ये चतुर्मास, तो इसलिए सभी पूरा पूर्णिमा से चल रहा है। बीच में फिर शरद पूर्णिमा आएगी, जिस दिन उस दिन से फिर चेंज हो जाएगा 9 तारीख से। तो इस तरह से ये चतुर्मास का तीसरा महीना कल शुरू हो गया है। इसमें जो भक्त लोग हैं उनके लिए मिल्क वर्जित, मिल्क से फास्टिंग 1 महीने की। हरे कृष्णा।